जालंधर के कच्चा कोट मोहल्ला में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां शनिवार देर रात को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के आशिक को उसके घर के बाहर गोली मार दी। गोली युवक के एक कंधे से निकलकर दूसरे कंधे तक पहुंच गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और घायल विपिन कुमार को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण उसे सत्यम अस्पताल भर्ती करवाया। इस संबंधी सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल में पहुंच गई। मौके पर पहुंचे एसीपी वेस्ट बरियाम सिंह ने बताया कि गोली चलाने वाला शिली नामक युवक है, जो अली मोहल्ले में रहता है, जिसकी पत्नी ज्योति उसको छोड़कर विपिन के संग रह रही थी। वहीं पुलिस ने इस संबंधी 3 लोगों पर मामला दर्ज कर उनको पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये विपिन नाम दा लड़का ये कच्चे कोट महल्ले च एक बिल्ला बलैती उनके मकान च किराए ते रह रहा है। बेसिकली इन्हें ज्योति नाम की एक लेडी है, वो इन्हें रखी हुई है। ज्योति दे घर वाला जिहड़ा छिली है, अज वो इनू गली च मिले, घर के बाहर खड़े इन 3 जने सी, उन्होंने गोली मारी जिहड़ी इहदे मोढ़े च वज के दूजे मोढ़े तक डॉक्टरों के दसण मुताबक पहुँच चुकी है। तो असीं इहदी स्टेटमेंट लिख के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और दोषियों के घर से रेड करके उन्होंने अरेस्ट कर रहे हैं। सर मौके पर फड़े गए बंदे जिन्होंने गोली चलाई? अच्छा चले हैं, अज तो इन्हू हूँ पूछे सिविल हॉस्पिटल ही खड़े हैं, आप इतों हूँ निकलते हैं दोषियों के घर। सर की कार्रवाई कर रहे हैं? 307 अटैम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सर कितने का रहने वाला सी? ये कच्चा कोट रह रहा, ये फगवाड़ा गेट के कोल रहने वाला, पर यह पहले लड़ाइया झगड़े करते थे, इनके घरदिया ने बेदखल किया हो, कच्चे कोट किराए ते रह। जलंधर तो विनय शर्मा की रिपोर्ट।